इसी के कारण मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो नहीं हो रहा है। ऐसी कोई बातें नहीं है, ये जानकारी उनको ही हो सकता है, ऐसी कोई बातें नहीं है। और हमारे नेता का जो निर्णय है आप भी जानते हैं, बिहार के लिए होता है, बिहार की जनता के लिए होता है। बहुत जल्द विस्तार भी होगा, मुझे उम्मीद है नेता और तमाम सीनियर लीडर बैठेंगे, बात कर लेंगे। वो क्या कहते हैं उधर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो जो कहते हैं वही होता है, ऐसा तो है नहीं। अपने मन से कहना है, जो बकना है, जो कहना है वो कहें। तीन साल में तीन बार वो मंत्री पद क्या बोल रहे हैं उधर नहीं जाना है, क्योंकि वो लोग सिर्फ बोलते हैं, उनमें मैं टिप्पणी आलोचना नहीं करना चाहता। हमारे नेता ने काम किया है, बिहार को काम दिखाया है, देश ने देखा है, आने वाले दिनों पे और मजबूती से हम लोग काम करेंगे और आपसी भाईचारा के साथ साथ यहाँ विकास होता रहा है, होता रहेगा। जमाखान जी, 3 तारीख को जो विपक्ष है रैली करने वाली है, एक तरफ लगातार पहले दौरा भी हो रहा है, रैली भी है, कैसे देखते हैं रैली? रैली करें उसे मेरे रैली करें उसे कोई लेना देना नहीं है। रैली सब करता वो भी करें उससे मतलब नहीं है। वो लोग आलोचना करता है, हम लोग आलोचक नहीं है, आलोचना करना जानते हैं हम। हमें हमारे नेता पर काम पे विश्वास है, काम देश दुनिया ने देखा है, बिहार ने देखा है, निश्चित तौर पर काम के अनुसार वोट भी मिलेगा, समर्थन भी मिल रहा है। रैली से कोई फर्क नहीं पड़ता, रैली होता रहे। ऐतिहासिक रैली हो जाएगी जो अभी तक नहीं हुई है। कहने से कुछ भी कहे, उधर हम नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ कहना चाहते हैं जो नेता ने काम किया है, जो नेता प्रोग्राम होता है आप भी जानते हैं, हमने भी देखा है। वो जनता के लिए करते हैं, जनता के लिए जीते हैं, आप भी जानते हैं, वो परिवार के लिए जीते हैं। क्रेडिट तो तेजस्वी यादव ले घूम के कह रहे हैं कि काम तो हमने किया। आपको नहीं समझ में, आप तो मेरे मीडिया के साथ, आप जानते हैं ना, ये जो काम है, जो भी देश के अंदर का बड़ा काम होता है, जो भी किसके निर्देशन पर होता है, अगर देश में होता है उन निर्देशन पर दिल्ली वालों को होगा, अगर बिहार में होता है निर्देशन या कोई भी काम हो वो हमारे नेता नेतृत्व में होता है, हमारे नेता ने चाहेंगे वो काम होगा। इससे पहले भी किसी सरकार रही है क्या हुआ है आपने देखा है? उधर नहीं मैं जाना चाहता। थैंक यू। अरे अपने मुंह से कहना है कहते रहे, जनता जवाब देगी, मैं यही कहूंगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।